मैं सांडे राव बोल रहा हूँ। मैं राजस्थान के गोड़वाड़ अंचल के पाली जिले में स्थित हूँ। आज़ादी से पूर्व मैं शार्दुल सिंह और राणावत राजपूतों के ठिकाने की राजधानी था। शार्दुल सिंह और राणावत उदयपुर के महाराणा उदय सिंह जी के एक पुत्र शार्दुल सिंह जी के वंशज हैं। आज भी इस वंश के वंशज मेरे यहाँ निवास करते हैं। शार्दुल सिंह जी के वंशज बहुत ही वीर और पराक्रमी वे हैं, जिसका गवाह मेरे आंचल में बना ये खूबसूरत गढ़ है। इसी गढ़ में रहकर इन वीरों ने इस क्षेत्र पर शासन किया और वीरता के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए। शार्दुल सिंह और राणावतों से पहले मेरे यहाँ बालेचा चौहानों का राज्य था, पर महाराणा उदय सिंह जी के एक पुत्र और इतिहास प्रसिद्ध महाराणा प्रताप सिंह के छोटे भाई शार्दुल सिंह जी ने सांडे राव पर आक्रमण किया और बालेचा चौहानों को हराकर यहां अपना राज्य स्थापित किया। गोड़वाड़ विरासत नामक इतिहास शोध पत्रिका में लिखा है कि शार्दुल सिंह जी ने मेरे यहां विक्रम संवत 1636 में राज्य की स्थापना की थी। गांव में बालेचा चौहान अरज सिंह का स्मारक बना है। गांव वालों का दावा है कि इन्हीं अरज सिंह जी चौहान से शार्दुल सिंह जी ने राज्य लिया था। मेरे ही एक नागरिक महेंद्रपुरी ने फेसबुक पर अपने लेख में अरहत सिंह चौहान को उस वक्त के बालेचा चौहान शासक का पुत्र लिखा है। महेंद्रपुरी ने लिखा है कि बालेचा चौहान ठाकुर के कुंवर के द्वारा शार्दुल सिंह जी से 30 मिनट तक वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त होने पर शार्दुल सिंह जी ने उनकी वीरता का सम्मान में दूधौली माता के मंदिर के सामने भव्य लाल पत्थर की इस छतरी का निर्माण करवाया। मेरे प्राचीन नगर परकोटे और दूधौली माता मंदिर के सामने अरज सिंह की स्मारक रूपी छतरी बनी है, जहां आज भी मेरे ग्रामीण मेरे उस वीर शासक की पूजा अर्चना करते हैं और उसे सम्मान देते हैं। मेरे आंचल में राणावत ठिकानों के गढ़ के पास एक बड़ा खूबसूरत जैन मंदिर भी बना है। मेरे ठिकाने के जागीरदारों को जुडिशियल पावर भी थे। मेरे यहाँ के जागीरदार एक बड़ा सा जूता रखते थे। ज्यादातर अपराधियों को उस जूते से सजा दे दी जाती थी। गढ़ के अंदर जेल आज भी मौजूद है, जिसमें दुर्दांत अपराधियों को रखा जाता था। गांव के बाहर तालाब के किनारे कई योद्धाओं के स्मारक बने हैं, जो साबित करते हैं कि सांडे राव के योद्धाओं ने विभिन्न समय में अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिए हैं। गांव वाले आज भी इन स्मारक पर योद्धाओं की पूजा अर्चना करते हैं। जब शौर्य गर्जना की टीम यहाँ स्मारकों का कवरेज करने आई, तब भी यहाँ ग्रामीण एकत्र थे। कुछ युवा उन वीरों की प्रतिमाओं की पूजा कर रहे थे, तो गांव की महिलाएं उन योद्धाओं की गीत गा रही थी। गांव वाले जिस बालेचा चौहान से राज्य लेने की बात करते हैं, गढ़ के पुराने परकोटे के पास उनकी छतरी मौजूद है। गांव के लोगों ने बताया कि एक योद्धा को सम्मान देने के लिए राणावत शासकों ने उनका स्मारक बनवाया और आज भी उसका उचित रखरखाव और सम्मान करते हैं। मेरे यहाँ राणावत ठिकाना कायम करने वाले महाराणा प्रताप सिंह जी के छोटे भाई शार्दुल सिंह जी के लगभग 15 वंशजों ने समय समय पर यहाँ शासन किया। IndianRajput.com वेबसाइट पर उपलब्ध सांडे राव ठिकाने की वंशावली के अनुसार 1956 में यहाँ के आखिरी जागीरदार भीम सिंह जी थे, जिनके दो बेटियाँ हैं। भीम सिंह जी के भाई तकर सिंह जी व जालम सिंह जी थे। आज भी ठिकाने के गढ़ में पूर्व जागीरदारों के वंशज निवास करते हैं और मेरे अंचल में सभी जाति धर्म और वर्गों के लोग आपसी सामंजस्य से और सौहार्दपूर्ण वातावरण में निवास करते हैं। मेरे आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने लायक है, इसलिए कभी आप पाली जिले में खासकर जवाई बांध घूमने आए तो मेरे यहाँ के प्राकृतिक दृश्यों को देखना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।